जी हाँ दोस्तों, 1 फरवरी 2023 के दिन सीधे आपके परीक्षा में उतरने वाले सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आ चुके हैं हम इस वीडियो में। आपको हम बताना चाहेंगे 1 फरवरी के दिन आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन का प्रारूप देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोग सैंपल के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से हूबहू आपको देखने को मिलेंगे और सीधे आपको यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न छपने वाले हैं। तो आप सभी छात्र छात्राएं से एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को व्यर्थ किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक ही निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बगल वाली घंटी को दबा के ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए सीधे आपको हम लेकर चलते हैं प्रश्न पत्र की ओर। फटाफट दोस्तों सभी छात्र छात्राएं इस वीडियो को लाइक कर देंगे और जितना हो सकता है अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। चलिए आपको हम सीधे लेकर चलते हैं प्रश्न पत्र की ओर। तो चलिए दोस्तों, यहां पर हम आ चुके हैं क्वेश्चन पेपर की ओर और आपको हम बताना चाहेंगे आपको 1 फरवरी के दिन कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पेपर बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। यहां पर लिखा रहेगा सेक्शन ए और यहां पर लिखा रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, और आपको हम बताना चाहेंगे टोटल आपको ऑब्जेक्टिव बोर्ड की परीक्षा में यानी कि 1 फरवरी के दिन कुल 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको किन्हीं 50 ही प्रश्न का जवाब देना है और 50 प्रश्न आपको ऐसे चुन चुन कर बनाने हैं जो आपको आते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके मोबाइल के स्क्रीन पे, यहाँ पर देखिए जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं अपना ऊपर में देखते चलेंगे और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं अपना नीचे में देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हैं और यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, विच ऑफ द फ्लोविंग हैज इट्स इनवर्स फंक्शन 1, 1 एंड 1, 2। यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि 1, 1 एंड 1, 2 का इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं को बताना चाहेंगे, अगर आप लोग अपने गुरुजी के पास थोड़ा थ्योरी पढ़े होंगे फंक्शन जो कि पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स का, तो आपको भली भांति पता होगा कि 1, 1 एंड 1, 2 का जो इनवर्स फंक्शन है ये 1, 1, 1, 2 होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यानी कि दोस्तों कहे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये प्रश्न हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो काफी महत्वपूर्ण है कि इस बार भी ये प्रश्न आपके परीक्षा में सीधे छप जाए और आपको एक नंबर देके चले जाए। ठीक है, तो आपको दोस्तों याद रखना है कि 1, 1 एंड 1, 2 का जो इनवर्स फंक्शन होता है ये 1, 1, 1, 2 होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ए रिलेशन आर इन ए सेट एक्स, ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है ये आप सभी दोस्तों को पता होगा, अगर आप थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होता है जब आर जो है, जब रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्री होगा और ट्रांजेक्टिव, यानी कि तीनों होंगे तभी दोस्तों वो जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस आधार पर देखा जाए तो ऑल ऑफ दिस जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते आगे और यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। उससे पहले आप सभी छात्र छात्राओं को कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक नहीं किए हैं तो क्या कर रहे हैं आप लोग, इस गुरुजी के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने हर उन दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिन्हें अभी बचे हुए दिनों में तैयारी करके बोर्ड की परीक्षा में 72 स्कोर प्राप्त करना है। जी हाँ बिल्कुल, 1 फरवरी के दिन हमारे प्यारे साथियों आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, बोवा टाइप का प्रश्न देखने को मिलेंगे, और हमें उम्मीद है कि आप मैथमेटिक्स के दिन यानी कि 1 फरवरी के दिन मैथमेटिक्स की परीक्षा होगी और उसमें आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बना के आइएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। बस आपको करना क्या है कि अब से आपके अपने इस चैनल पर जितने भी वीडियो आएंगे और आ रहे हैं आपको सभी वीडियो को देखना है और एकदम जो है अपनी पढ़ाई में जुटे रहना है। चलिए फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मैं आपको बहुत ही देखिए आसान से बड़े बड़े क्वेश्चन को मैं आपको छोटा हिंट में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि आपको परीक्षा में काफ़ी जो है आसानी हो और आप बोर्ड की परीक्षा में 72 स्कोर प्राप्त कर सके। यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि द नंबर ऑफ ऑल 1-1 फंक्शन फ्रॉम सेट, यहाँ पर दोस्तों जो आपको ये सेट दिया गया है टू इट सेल्फ इज, ठीक है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो आपको ये जो सेट दिया गया है इसमें टोटल कुल जो है कितना 1-1 फंक्शन होंगे
ये आपको बताना है। और यहाँ पे देखिए आपको नीचे में चार ऑप्शन भी दे दिया गया है। ये एकदम देखिए फार्मूला बेस्ड प्रश्न है, कैसे बनेगा हमारे प्यारे साथियों। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप लोग जान लीजिए कि इसके लिए एक फार्मूला होता है। सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि इस सेट में कितने एलिमेंट दिया गया है, जैसे कि सेट और यहाँ पे देखिएगा तो ब्रैकेट में कितने हैं, तो 1 2 3 4 देखिए ए बी सी डी चार गो है ना, तो चार एलिमेंट हो गया, ये आपको काउंट कर लेना है, ठीक है। किसी का भी पूछे, यहाँ पे देखिए आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ए बी सी डी की जगह पे कुछ भी आपको दे सकता है परीक्षा में, 1 2 3 4 रहेगा या ऐसे रहेगा एक्स वाई जेड इस प्रकार से, मतलब कुछ भी जो है आपको यहाँ पर दे सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ज्ञात क्या करना है, तो आपको टोटल जो है 1-1 फंक्शन बताना है कि सेट में कितने बनेंगे। तो हमारे प्यारे साथियों इसके लिए एक फार्मूला होता है, आपको नहीं मालूम है तो जान लीजिए, एन पी ऐसे होता है, एम बराबर होता है एन का फैक्टोरियल, एन का फैक्टोरियल बट्टा इंटू एन माइनस एम का फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जो n है और जो m है, ये दोनों आपको यहीं से फाइंड हो जाता है कि इस सेट में कितना एलिमेंट है। तो अभी आप लोग देखिएगा तो इस सेट में टोटल चार एलिमेंट है, a b c d, ठीक है, बस यहीं से आप बन गया प्रश्न। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों हम इस प्रश्न में कहाँ तक पहुँच चुके थे, तो यहाँ पर दोस्तों हम इस फार्मूले तक पहुँचे थे, एन का फैक्टोरियल वटा एन और माइनस एन का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे मान बैठा दीजिए एन का, एन का मान दोस्तों हम चार है, चार गो एलिमेंट है इसमें, ठीक है, इस सेट में चार गो एलिमेंट है, तो एन का मान हो गया चार, तो यहाँ पे लिखेंगे चार का फैक्टोरियल बट्टा, और एन एन का भी मतलब वही होता है कितना एलिमेंट है इस सेट में, और एम का भी मतलब वही होता है, ठीक है। तो दोनों का मान कितना आ जाएंगे, तो चार माइनस चार और यहाँ पे फैक्टोरियल। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे चार का फैक्टोरियल बट्टे चार माइनस चार गया तो जीरो, और जीरो फैक्टोरियल, तो जीरो का फैक्टोरियल करने पर कितना आ जाएंगे, सीधे मान हम पुट कर देते हैं 1 आ जाएंगे। यहाँ पे अब मोटा मोटी देखा जाए तो आपको ज्ञात करना है चार का फैक्टोरियल, कि चार का फैक्टोरियल होता है चार गुना तीन गुना दो गुना एक, ठीक है। और यहाँ पे आप इसे गुना कर दीजिए, चार तिया 12, 12 दूनी 24, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 24, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे, देखते देखते यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, काफ़ी महत्वपूर्ण शानदार प्रश्न है। यहाँ पे देखिए ये तो फार्मूला है, ये तो फार्मूला है हमारे प्यारे साथियों, अगर ये फार्मूला आपको नहीं पता है तो आपका रिजल्ट बहुत ही खराब आने वाला है, ये आप लोग जान लीजिए। ये तो फार्मूला है हमारे प्यारे साथियों, 10 × 10 इनवर्स एक्स का मान क्या हो जाएंगे, तो आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों इसका मान हो जाएंगे एक्स, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पर देखिए हमारे प्यारे साथियों कितना आसान प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बौआ टाइप का प्रश्न है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का मान क्या हो जाएंगे, नहीं पता है, बढ़िया से आपको पता है, हमें पता है कि आप लोग इसको बढ़िया से जानते हैं कि सची पाई अपॉन 2 होता है, बता दीजिए हमारे बिहार के ललाओं, जी हाँ बिल्कुल पाई अपॉन 2 होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसी प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले है, यहीं से छपने वाली है, तो आपको एक एक प्रश्न को रटना है, सॉरी रटना नहीं है, मैथमेटिक्स से रटना नहीं है, सॉरी फिजिक्स जो होता तो उसमें आप रट के चले भी जाते तो चलने वाला था, लेकिन मैथमेटिक्स है आपको समझना है, जी हाँ बस आपको समझना है, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आपको समझा रहा हूं, बस उसे आप बारीकी से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। साइन इनवर्स एक बार में आपको याद हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर जी पाई अपॉन 2 होता है, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, बस सारा का सारा बौआ टाइप का प्रश्न है, किससे नहीं बनने वाला है हमारे प्यारे साथियों, 10 inverse x और प्लस 10 inverse y, इसका फार्मूला नहीं पता है, हमें पता है कि आपको मालूम है, जी हाँ बिल्कुल आपके मन में गुदगुदी हो रही है कि सर जी इसका आंसर तो बी होगा, हम बिना मार देंगे, मतलब देखेंगे और सीधे मार देंगे, ऑप्शन में टिक लगा देंगे, जी हाँ बिल्कुल हमारे बिहार के सिर और सैनियों, इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे, 10 inverse x प्लस वाई बटे 1 - x, ठीक है, ये फार्मूला बेस्ड प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे यहां पर दोस्तों हम देखते-देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और यहां पे देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। उससे पहले आप सभी को हम फिर से कहना चाहेंगे, अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने प्यारा हाथ से अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं, हमारे बिहार के शेर और शेरनियों, फटाक से एक अपना प्यारा हाथ से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कि 2 10 inverse x एकदम देखिए
ओहो, कितना आसान प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है हमारे साथियों। 210 इनवर्स एक्स का मान बताना है, किसको नहीं पता है ये हमें बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सभी को पता है। लाइव चैट में एक बार फटाफट सभी इसका आंसर लिखकर भेज दीजिए, तो जिससे कि मेरे दिल में जो है शांति मिले कि हाँ, हमारे बिहार की जो शेर और शेरनी है वो बिल्कुल जो है परीक्षा देने के लिए तैयार है, और इस बार एकदम रिकॉर्ड तोड़ना है, तहलका मचा देना है 1 फरवरी के दिन। जी हाँ, हमारे बिहार की शेर और शेरनी हो, इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 10 इनवर्स 2x / 1 - x². ये तो फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है ना, सभी को मालूम ही है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी, चलिए बढ़ते आगे। यहां पर देखिए, देखिए बौआ टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। यह प्रश्न नहीं बनेगा तब कौन सा बनेगा, और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। यह भी आप जान लीजिए, आपको जानकर खुशी होगी कि यही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं, और जिस प्रकार से अभी आप चुटकियों में फटाफट प्रश्न को जवाब दे रहे हैं, इसी प्रकार आप 1 फरवरी के दिन भी जवाब देकर आएंगे, और गदगद से आप कहेंगे, दिल से आप कहेंगे कि हाँ सर जी, मैंने आपका वीडियो देखा था और मैंने मैथमेटिक्स के परीक्षा में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करके आया हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही, और से नहीं हो तो सभी छात्र छात्राएं इसका जवाब देंगे, बहुत ही बेहतरीन जवाब सभी छात्र छात्राएं का, बिल्कुल सही जवाब है इसका, जो है राइट आंसर एकदम सी हो जाएंगे। एकदम बौआ टाइप का प्रश्न है, क्या करेंगे, 2 से सभी एलिमेंट में गुणा कर देंगे, तो 2x 2y 2i और 2m, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए, यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5 × और यहां पे दोस्तों आपको एक डिटरमिनेंट दे दिया गया है, उसमें उसके अंदर कुछ संख्या है, इसका दोस्तों आपको डिटरमिनेंट बताना है। तो ये तो काफी आसान प्रश्न है ना एकदम, देखिए क्या हो जाएंगे, तो देखिए यहां पे हम करेंगे 2, 3 यानी कि 5 × 2 = 10, यहां पे 5 × 3 = 15, ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है, हां चलिए ठीक है, मिल गया, यानी कि दोस्तों यहां पे देखिए ऑप्शन आपको बी दिया गया है। तो पहला देखिए, पहला अभी जो है रो को आप छोड़ दीजिए और दूसरा रो में गुना कीजिए, तो 5 × 3 = 15 और 5 × 4 = 20, और ऊपर का वाला में भी हम कुछ किए ही नहीं है, तो डिटरमिनेंट में सेम के सेम रह जाता है, तो 2, 3 रह गया ई वाला, और 5 से गुना किए तो 5 × 3 = 15 और 5 × 4 = 20, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पर देखिए हमारे प्यारे साथियों आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इफ ए बराबर दोस्तों आपको को एक मैट्रिक्स दिया गया है 10, ए का ट्रांसपोज, ए देखिए ए का ट्रांसपोज आपको ज्ञात करना है, ए का ट्रांसपोज, इतना आसान प्रश्न आपको कहाँ मिलने वाले हैं हमारे प्यारे साथियों। जी हाँ, क्या करना है, रो को कॉलम बना देना है, आ कॉलम को रो बना देना है। देखिए अभी क्या है, प्रश्न इस प्रकार से है, 5 और फिर -5 है, ठीक है, तो क्या करना है, ट्रांसपोर्ट ज्ञात करना है ना ए का, ए बराबर है, यहाँ पर हम दे देते हैं ए बराबर है, तो ए का ट्रांसपोज हो जाएंगे बराबर, डिटरमिनेंट देंगे, ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगा, तो 5 - 5 हो जाएंगे, और ये जो फिर कॉलम है रो है ये कॉलम बन जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या आ गया आपको यहाँ पे, देखिए आपको ऑप्शन कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है, बढ़ते आगे, अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, प्यारा सा क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पे, सभी छात्र छात्राएं इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है और एकदम बहुत टाइप का प्रश्न है, हमें उम्मीद है कि सभी छात्र छात्राएं इसका जवाब दे दिए हैं, और आप सभी का जवाब जो है बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। क्रॉस पॉइंटिंग गुना करेंगे तो क्या हो जाएंगे सर जी, 1 में 1 से करेंगे 1, माइनस का सिंबल, 0 में 0 से करेंगे तो 0 = 1 आ जाएगा, ऑप्शन बी दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये देखिए, दो मैट्रिक्स को जोड़ना है हमारे प्यारे साथियों, जोड़ दीजिए ना, जोर नहीं आता है आपको, पढ़े होंगे ना बच्चे में कक्षा 6-8 में आप लोग पढ़े होंगे जोर, उससे पहले भी कई बच्चे पढ़ लेते हैं, 3रा-4था में पढ़ते हैं, जोड़ना है बस, देखिए इसके साथ इसको जोड़ देना है, इसके साथ इसको जोड़ देना है, इसके साथ इसके, और इसके साथ इसके, बस हो गया, इसका आंसर गया, तो कौन सा आ रहा है आपको बताइए फटाफट। हाँ जी बिल्कुल, आपको बी ही आंसर आएगा ना, सभी को जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए बढ़ते आगे, यहां पर दोस्तों हम देखिए आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, यहां पे पूछा जा रहा है कि 4A नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ए, यहां पे दोस्तों देखिए कंडीशन पूछा जा रहा है कि नॉन इनवर्टिबल जो है मैट्रिक्स ए कब होता है, जो मैट्रिक्स ए है ये नॉन इनवर्टिबल कब होंगे, तो आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों, ये फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है, और आपको हम बताना चाहेंगे जब डिटर्मिनेंट ए हम निकालेंगे और उसका मान 0 के बराबर नहीं आएंगे, तो वो दोस्तों आपको क्या हो जाएंगे, नॉन इनवर्टिबल हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए,
हमारे बिहार के से और शेरनियों अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो फिर क्या कर रहे हैं आप लोग। इतना हमें मेहनत लगता है, इतना अच्छे से आपको हम समझाते हैं, बताते हैं, बस आप एक लाइक कर दीजिए। आपको लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ये मैं आपको छोड़ देता हूँ। और शेयर करना तो आप पर है ही। देखिए मेरा जो काम है वो हम आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको अपना भी फर्ज पूरा करना है। अपने इस सर जी के लिए, अपने इस गुरुदेव के लिए आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके एक अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है। बस एक छोटा सा काम करना है। चलिए इतना उम्मीद है हमें आप सभी बिहार के शेर और शेरनियों पे, आप लोग कर देंगे। आप लोग बहुत ही ईमानदार आदमी है, कर देंगे, बिल्कुल विश्वास है। चलिए यहाँ पे देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। इफ आई इज एन यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 देन आई क्यूब। यहाँ पे दोस्तों आप लोग रट लीजिए, ध्यान में रखिएगा हर हमेशा कि जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम कितनों बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करेंगे ना, तो हर हमेशा दोस्तों इसका जो मान निकलेगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही निकलेगा। चाहे हम 3 बार गुना करें या चाहे 100 बार करें, क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में गुना करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, यानी कि आई ही आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहां पे डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। और आप लोग यहां पर जान लीजिए कि यूनिट मैट्रिक्स कहां किसको जाता है। दोस्तों यूनिट मैट्रिक्स ऐसे होता है, देखिए 2x2 का है तो यहां पे देंगे 1 0 0, यानी कि जो क्रॉस वाला है, जो यहां पे ये वाला है, ये 1 1 होना चाहिए और बाकी एलिमेंट जो है 0 रहेगा। तो इसी को जो है हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आगे। यहाँ पर देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, और यहाँ पे दोस्तों आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, ए में बराबर इतना और बी बराबर इतना। तो आपको निकालना है कि 2a-b, यहाँ पे क्या कीजिएगा, सबसे पहले ए मैट्रिक्स में 2 से गुना कर दीजिए सभी में, और फिर जाके क्या कीजिएगा दोस्तों, इस मैट्रिक्स में से इसको घटा लीजिएगा। आपको आंसर आ जाएंगे हमारे प्यारे साथियों, क्या आंसर आएंगे, तो आपको ऑप्शन नंबर सी राइट, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे 0 0, सारा सारा जो एलिमेंट है वो 0 के बराबर हो जाएंगे घटने के बाद, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, और एक बात ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, इस वीडियो को ईमानदारी पूर्वक लाइक जरूर कर दीजिए। जी हाँ, लाइक कर दीजिए, बस एक लाइक ही तो करना है। और लाइक करने के बाद आपके अपने इस चैनल पर जितने भी वीडियो आ रहे हैं आपको सभी वीडियो को वॉच करने हैं। और रोज मैं आपको बता दूं, देखिए रोज मैं आपके लिए 6:30 वीडियो लेकर आ रहा हूँ। जी हाँ, रोज 6:30 शाम को वीडियो अपलोड हो जा रहा है आपके अपने चैनल पर। तो आपको रोज जो है वीडियो देख लेना है, किसी तरह समय निकाल के देखना है, क्योंकि आपके परीक्षा का जो है बहुत कम ही समय बचा है। यहाँ पर देखिए, इफ द ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स ए एंड बी आर 2x4 and 3x2 रिस्पेक्टिवली, देन द ऑर्डर ऑफ ए बी इज। ए बी का मान याद करना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इतना आसान प्रश्न है, ये तो एकदम देखिए बोवा टाइप का प्रश्न है, फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है। क्या हो जाएंगे यहाँ पे दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिएगा तो इसका जो ऑर्डर है वो कुछ और है, 2x4 का है, और इसका ऑर्डर कुछ और है। तो इसमें मतलब जो मैट्रिक्स है वो ए बी निकलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड ए बी, हम ए बी फाइंड नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है ये आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, ए बी तभी फाइंड होगा जब ए और बी दोनों सेम ऑर्डर का होगा। मतलब कि मान लीजिए 2x2 का ए है तो बी भी 2x2 का रहेगा, तभी ये जो है उसका हम ए बी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इतना आसान प्रश्न कभी आपको मिला है? देखिए बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न तो आपको आने वाले हैं 1 फरवरी के दिन। बस आपको कहे तो रहे हम आपको, बस मेरा वीडियो आप देख कर जाइएगा, 100% आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करके आइएगा। और मैथमेटिक्स ही नहीं, मैं आपको सभी विषय पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, सभी क्लास हो रहा है तो आपके अपने इस चैनल पर, तो आपको सभी वीडियो को देखना है। यहाँ पर देखिए क्या प्रश्न है, डिफ्रेंशिएशन आपको बताना है दोस्तों, 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? नहीं पता है? जी हाँ, पता है आपको, sec²x होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, फिर से क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा जा रहा है, sin³x का डिफ्रेंशिएशन बताना है। तो क्या हो जाएंगे हमारे प्यारे साथियों, सबसे पहले देखिए मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए 3 क्वेश्चन पर्सन है, 3 को आप बाहर कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब 3 बाहर गया तो sin³x का क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएंगे sin और 3 है तो थ्रू हो जाएगा x, और फिर sin² आप बच गया तो sin² का क्या हो जाएंगे, cos² हो जाएंगे। डिफ्रेंशिएशन का सवाल है हमारे प्यारे साथियों। जी हाँ, ऑप्शन बी हमको देखने को मिल रहा है, तो लगा दीजिए टिक, लगा दीजिए एकदम।
एक नंबर आपका पक्का हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आगे। यहाँ पर देखिए हमारे प्यारे साथियों कितना आसान प्रश्न पूछा गया है। डिफ्रेंशिएशन आपको दोस्तों बताना है 3 × sin² x + cos² x। सबसे पहले आप लोग ये जानते हैं ना कि sin² x + cos² x बराबर क्या होता है, तो एक होता है। अब इंटू में 3 है तो हमको 3 से गुना करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो डिफ्रेंशिएशन जो हमको किसको ज्ञात करना पड़ेगा, अब डिफ्रेंशिएशन दोस्तों आपको बताना है 3 का, क्या बताना है दोस्तों 3 का जो है हमको डिफ्रेंशिएशन बताना है। और आप सभी हमारे बिहार के सिर और सिन्नियों जानते हैं कि किसी भी कोस्टेड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपका है 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, 0 होता है। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए हमारे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, डिफ्रेंशिएशन आपको बताना है दोस्तों 1 पावर 4x। पहले देखिए क्या करेंगे हम, 1 पावर 4x का आपको बताना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए आसान प्रश्न है। यहाँ पे दोस्तों कैसे बनेगा, तो पहले 4 को हम बाहर कर देते हैं, कोस्टेड फंक्शन है तो। और 1 पावर 4x, देखिए 1 पावर x का डिफ्रेंशिएशन दोस्तों आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, इसको अभी छोड़ दीजिए, ये हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं। डिफ्रेंशिएशन 1 पावर x होता है, 1 पावर x ये फॉर्मूला होता है हमारे प्यारे साथियों। तो 4 कोस्टेंट है तो बाहर कीजिए ना, और 1 पावर x वाला फॉर्मूला बैठा दीजिए, 1 पावर 4x। ऑप्शन नंबर डी में हमको देखने को मिल रहा है सर जी। जी हाँ, बिल्कुल मिल रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का डी। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, आप लोग तो अब बुधियार बन ही गए, डिफ्रेंशिएशन ज्ञात करना है। देखिए 5 कोस्टेंट है ना, तो 5 बाहर कीजिए, एक्स के पावर देखिए क्या होता है, 5 है तो एक कम हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी, 21 का हो जाएंगे बी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, डिफ्रेंशिएशन दोस्तों आपको बताना है लोग एक्स पावर क्यू, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएंगे, तो हमारे प्यारे साथियों इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे 3/x, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सारा बहुत ही आसान प्रश्न है, बुआ टाइप का प्रश्न है, आराम से सोल्व कीजिएगा, सभी को बन जाएंगे। और चलिए यहाँ पे देखिए 23, आपको दोस्तों एक्स का बराबर दिया गया है कोस थीटा, वाई बराबर साइन थीटा, तो dy/dx का मान बता दीजिए। हमें पता है कि आप लोग इसे सॉल्व कर लिए हैं और जवाब देने के लिए उत्साहित है आप लोग। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, माइनस कोस थीटा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए डिफ्रेंशिएशन दोस्तों आपको बताना है कि एक्स के पावर 1/3 है, फिर कोस्टेंट फंक्शन को बाहर कीजिए ना, और फिर एक्स और क्या करेंगे, जितना इसका पावर है उसमें से 1 को घटा दीजिए, बस अब इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएंगे, तो आ जाएंगे 1/3 और एक्स पावर 2/3 हो जाएंगे, माइनस होगा यहाँ पे दोस्तों, और डी नहीं होगा यहाँ पे, देखिए ये हो जाएंगे 1/3 हो जाएंगे और यहाँ पे माइनस में हो जाएंगे आंसर। ठीक है, माइनस जो है एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ ठीक है, माइनस में आ जाएंगे, 24 का जो है बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए आपको अब आ गया इंटीग्रेशन का सवाल, इंटीग्रेशन sin² x dx का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है। चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी छात्र हैं जवाब दीजिए, बिल्कुल सही जवाब है आपका, क्या हो जाएंगे, k − cos² x/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 26 देखिए इंटीग्रेशन x^4 dx क्या हो जाएंगे, जी हाँ बिल्कुल, x पावर क्या हो जाएंगे, 5/5 और प्लस k, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 26 का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे। 27 देख लीजिए इंटीग्रेशन 1/3x dx का मान बताना है, तो क्या हो जाएंगे हमारे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए बढ़ते आगे। ये सही प्रश्न दो एकदम फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है, इसमें ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ पे देखिए 28 इंटीग्रेशन 3/x dx का मान बताना है, तो क्या हो जाएंगे, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, k + 3 log(x). ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए 3 dx का इंटीग्रेशन बताना है, तो 3 देखिए कोस्टेंट है, बाहर कीजिए, dx का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं कि x होता है, तो क्या हो जाएंगे 3x और प्लस, तो k हो जाएंगे, इंटीग्रेशन है इसलिए k हो जाएंगे 3x + k, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 29 का सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए 30 पे आ चुके हैं, अंडर रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बताना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सबसे पहले दोस्तों हम अंडर रूट को देखिए, अंडर रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, बोआ टाइप का प्रश्न बन गया, अब इसे निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, इसका क्या आ जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का जो है राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 2/3 x/3/2 + k हो जाएंगे। चलिए चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 पे आ चुके हैं, और यहाँ पे देखिए लिमिटिंग वैल्यू वाला प्रश्न आ गया। सबसे पहले देखिए इंटीग्रेशन दोस्तों sin x, यहाँ पे आपको हम बता देते हैं dx, और इसका इंटीग्रेशन तो cos x होता है। अब लिमिटिंग वैल्यू है, तो लिमिटिंग वैल्यू कहाँ से कहाँ है, तो 0 से π/2 है।
अब इसका मान बैठा दीजिए एक्स जगह पर, एक बार ये दे दीजिए ऊपर वाला, एक बार नीचे वाला दे दीजिए और मान निकाल लीजिए फटाक से क्या आ जाएंगे, तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएंगे, 31 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए फिर से दोस्तों वही प्रश्न आ गया है, इंटीग्रेशन एक पावर एक्स डी एक्स, इसका हो जाएगा एक पावर एक्स और एक्स का मान यहाँ पे देखिए अभी लिमिटिंग वैल्यू दिया गया है, तो यहाँ पे हम रख देंगे पहले ऊपर वाला, तो एक पावर वन माइनस एक पावर जीरो, और देखिए एक पावर जीरो का अर्थ हो गया वन, यानी कि दोस्तों ई माइनस वन, ये आपको ऑप्शन सिम दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए इसका दोस्तों आपको बताना है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया गया है इसका आपको सॉल्यूशन बताना है, तो क्या हो जाएंगे, तो हमारे प्यारे साथियों आपको हम बताना चाहेंगे सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर आ जाएंगे, ये आपको राइट आंसर आ जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, एक्स बराबर के वाई हो जाएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, क्या कीजिएगा देखिए यहाँ पर हम इसको देखिए थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं, इसको क्रॉसपॉन्डिंग गुणा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे y dx बराबर x dy। ठीक है, अब देखिए dx बटे dy को हम यहाँ पे इस dy को नीचे ला दिए, अब हो गया x बटे y। अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए आसानी से, चलिए ऑप्शन नंबर आपको ए आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं 34 पे, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो दोस्तों यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएंगे ये आपको बताना है, तो आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों ये इसका जो है आपको आ जाएंगे राइट आंसर साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर क्या आ जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए 35 पे आ चुके हैं, यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है द सॉल्यूशन ऑफ, इसका दोस्तों आपको सॉल्यूशन बताना है, दोस्तों इसे सॉल्व करने बाद आपको दोस्तों जो राइट आंसर आ जाएंगे ये आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। छोटा छोटा सा प्रश्न है, आप लोग आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं, मैं आपको बस यहाँ पे हिंट दे देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूछा जाएगा द इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दोस्तों इसमें आपको दोस्तों बताना है इंटीग्रेशन फैक्टर इसका क्या हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों आपको आई एफ याद करना है, क्या याद करना है आई एफ, अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा इसका आई एफ क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे ज्ञात करने के बाद आपको जो है सोल्व करने के बाद ऑप्शन वन बी हो जाएंगे। ठीक है, 36 का बी। चलिए बढ़ते आगे। 37 पे आ चुके हैं, शानदार प्रश्न, ये तो फॉर्मूला प्रश्न है, इंटीग्रेशन लॉग एक्स डीएक्स, लॉग एक्स डीएक्स का नहीं पता है, हाँ हाँ पता है आपको, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे। यहां पे देखिए शानदार प्रश्न दोस्तों, इंटीग्रेशन वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, जी हाँ आपको मालूम है हमारे प्यारे साथियों, क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस के होता है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों देखिए मॉडुलस आई वेक्टर का मॉडुलस याद करना है, आई वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे अपने गुरुजी के पास, क्या होता है, तो एक होता है दोस्तों, आई वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है, एक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे। 40 पे आ चुके हैं, वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई, वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई का मान क्या होता है, ये फॉर्मूला भी स्पष्ट है, क्या हो जाएंगे, तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों वन होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे। 41 पे आ चुके हैं, यहाँ पे देखिए क्रॉस प्रोडक्ट पूछ दिया है, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई का क्या हो जाएंगे, तो वेक्टर जीरो हो जाएंगे, चूंकि साइन एक्स आ जाएगा इस फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 41 का बी। चलिए चलिए यहाँ पर देखिए, यदि ओ मूल्य बिंदु हो तो बिंदु ए की स्थिति सदिश यहाँ पे दिया गया है 2, 3, 4 हो, तो वेक्टर ओ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओ का मतलब होता है क्या कि एक्स और वाई और जेड तीनों का मान क्या क्या है, जीरो जीरो है, तो यहाँ पे दोस्तों इस फॉर्मूला पर बैठा लीजिए, तो सीधे क्या करेंगे इन तीनों को हम वेक्टर में पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएंगे, तो टू वेक्टर, टू आई वेक्टर और प्लस आ जाएंगे 3j वेक्टर और प्लस कितना आ जाएंगे 4k वेक्टर। चलिए, तो ये आपको ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन और आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो ये आपको ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है, बी में। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा देखिएगा, तो यहाँ पे 4 लिखना चाहिए जो कि यहाँ पे 3 लिख दिया है, तो आपको इसको इग्नोर कर देना है, टाइपिंग मिसप्रिंट है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 42 का ऑप्शन भी हो जाएंगे, इस प्रकार से निकलेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए इसका दोस्तों मॉडुलस याद करना है, आई के पीछे क्या है, कुछ नहीं है, तो एक है, एक का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस जे के पीछे 2 है तो 2 × 4 हो गया, और प्लस डायरेक्ट बैठा देते हैं और 3 × 3 = 9, तो 9 और देखिए और इसको अंडर रूट कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएंगे 9 × 9 = 13 = 14, अंडर रूट 14, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ठीक है, 43 का डी हो जाएंगे। आ चुके हैं दोस्तों 44 पे, अभी तक इस वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। चलिए यहाँ पर देखिए इसका दोस्तों आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो इसको इसको गुना कर दीजिए, 3 × 2 = 6 और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, 4 × 3 = 12 और माइनस और 5 × 4 = 20। चलिए फटाफट क्या आंसर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप लोग इसे देख लीजिए, 6 माइनस इस माइनस माइनस लग जोड़ दीजिए, तो आ जाएंगे 2 और 3 = 32 और आ गया माइनस में आ जाएगा 26, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 44 का
डी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न दोस्तों, इससे आप तो नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, हमें ये नहीं मालूम, लेकिन इसे आप पूरा एकदम जो है इसे अभी एक नंबर क्लियर ही कर लीजिए। ये प्रश्न आएगा ही आएगा, जी हाँ आएगा ही आएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपसे पूछा क्या जा रहा है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस आर। देखिए दोस्तों, जिसका एक्सिस पूछेगा ना, जैसे अभी देखिए डायरेक्शन कोसाइन किसका पूछा जा रहा है, वाई एक्सिस का, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जिसका पूछेगा उसी की जगह पर एक होगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, डायरेक्शन जो कोसाइन होता है वो एक्स कमा वाई कमा जेड होता है। अब देखिए जिसका एक्सिस पूछेगा, जैसे कि वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन पूछा जा रहा है, तो वाई के जगह पर एक होगा और बाकी जगह जीरो जीरो। जी हाँ, ऐसे ही ये प्रश्न बनता है। अगर मान लीजिए हमको वाई के जगह पर नहीं पूछ के आप पूछ देता एक्स का, तो क्या करते, एक्स जगह पर एक दे दे, बाकी जगह जीरो जीरो। जी हाँ, अगर मान लीजिए एक्स का नहीं पूछ के आपसे पूछ देता जेड का, तो इसमें क्या दिक्कत है, फिर जेड के जगह पर एक और बाकी जगह जीरो जीरो। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आपको एक क्लियरली समझ में आ गया होगा, और अगर ये प्रश्न आता है और आएगा ही आएगा, तो आपका एक नंबर क्लियर हो गया, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर वाई एक्सिस पूछा जा रहा है, तो वाई वाला देखिए कहाँ पे है, ये वाला है गया सी, ठीक है, जीरो कॉमा वन कॉमा जीरो, ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द कंडीशन फॉर टू लाइन्स हैविंग डायरेक्शन कोसाइन, यहाँ पे दिया गया है विंग पैरेलल, पैरेलल है तब क्या हो जाएंगे कंडीशन। इसके लिए यहाँ पे दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे, ये फॉर्मूला है और इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ये फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है, पैरेलल होता है तो इसके लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, 47 पे आ चुके हैं। यहाँ पर देखते देखते यहाँ पे देखिए इसका पूछा जा रहा है कि द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू प्लेन इतना का है इज, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, इसमें सिर्फ क्या होता है, कॉन्स्टेंट फंक्शन बदल जाता है, यानी कि दोस्तों जहाँ पे 5 है वहाँ पे 1 आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए राइट हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 47 का ए। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पे देखिए ये भी देखिए दोस्तों हर साल पूछा जाता है, आसान प्रश्न है, वाई जेड तल के समांतर तल का समीकरण है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू वाई जेड पैनल इज। देखिए जिसके जो है, ठीक है, पैरेलल रहेगा, मतलब जिसके पैरेलल रहेगा, और इसमें दिखेगा कि देखिए एक्स वाई जेड तीन को होता है, इसमें भी दिखेगा कि किसके पैनल पैरेलल है, जिसे अभी क्या है जेड वाई जेड के है, तो वाई जेड है तो क्या हो जाएंगे एक्स बराबर के हो जाएंगे, ठीक है। अगर अगर मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों क्या होता है एक्स जेड होता, तो ये जो है पैरेलल जो है वाई के होता, अगर मान लीजिए वाई जेड होता तो ये पैरेलल जिससे अभी है तो अभी एक्स के हो जाएंगे, और अगर मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों इन दोनों के अलावा अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्स वाई होता तो फिर जेड जेड के जो है पैरेलल हो जाते। चलिए, तो इस आधार पे अभी फिलहाल दोस्तों जो क्वेश्चन है वाई जेड तल में है, तो इसके जो पैरेलल हो जाएंगे ये हो जाएंगे वाई जेड, एक्स वाला खोजिए एक्स बराबर के हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 49 पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है, ए एंड वी टू आर्बिट्री इवेंट वेयर ए बराबर नोट है फाइव, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो जाएंगे। ये फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है, आपको नहीं पता है जान लीजिए दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला होता है इसका दोस्तों जो फॉर्मूला होता है ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपन ए होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए बढ़ते बढ़ते दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, और ये प्रश्न जो है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, और अभी तक हमारे बिहार के सिर और सैनियों इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो समाप्त होने को जा रहा है, बस एक लाइक कर दीजिए। और प्रश्न देख लेते हैं क्या है, और आपको हम बताना चाहेंगे आपके अपने इस चैनल पर रोजाना शाम 6:30 बजे वीडियो आ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश सभी विषय का, तो आपको सभी वीडियो को देखना है और एक एक वीडियो को जो है देखना है, छोड़ना नहीं है। यहाँ पे देखिए, चलिए तो यहाँ पे फटाफट हम देख लेते हैं 50 क्या है, इंग्लिश में देखते हैं, द फंक्शन इन ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम व्हिच मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हैज टू वी डिटरमाइंड इज कॉल्ड, क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपको हो जाएंगे क्या हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आसान प्रश्न है, ये आपको हो जाएंगे क्या हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे तो आपको बहुत ही क्लास अच्छा लगा होगा, अगर बढ़िया लगा है अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो आपसे हम फिर मिलते हैं कल 6:30 बजे शाम को एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को वीडियो देखने के लिए दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।